सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अपनी जो ग्रीन टाइप की बैकग्राउंड में फोटोज़ होती हैं उनको कैसे एडिट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब अपनी फोटोज़ ग्रीन में क्लिक होती है तो उसको हम लोग एडिट करके या फिर ब्राउन में कर देते हैं, डार्क येलो कर देते हैं, लाइट येलो, या फिर उसको ब्लैक कर देते हैं। सो अभी तक इतना कर पा रहे होगे वो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन एक टाइम होता है जब आपकी प्रोफाइल्स कोई ओपन करेगा एंड आप लोग अपनी फोटोज सिर्फ ग्रीन में क्लिक कर रहे हो सो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। सो मैं यही बताऊंगा कि अपनी फोटोज़ में ग्रीन टाइप की सिमेट्रिक टोन्स के साथ कैसे फोटोज़ एडिट कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छा वो देखने में लुक आता है उससे। एंड मैं भी अभी रिसेंट अपलोड किया था फोटोज़ कुछ ग्रीन टाइप में एडिट करके, सो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है एंड काफ़ी लोगों का डिमांड था कि कुछ हमें इस टाइप की एडिटिंग सिखाओ एंड कैसे आपने अपनी फोटोज़ में इस लेवल टाइप की एडिट की हो। सो वीडियो लास्ट तक देखो एंड वीडियो काफ़ी लोगों के लिए है एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो लाइक कर दो एंड चैनल सब्सक्राइब करके रखो एंड वीडियो लास्ट तक वो काफ़ी इजी स्टेप के साथ मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि इस टाइप से अपनी फोटोज़ को ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग सेम प्रीसेट यूज़ करते हो तो सो मेरे को इंस्टा पे टैग कर देना जरूर, मैं वहाँ पे आपकी वर्क देखूंगा, वहाँ पे आपका वर्क देखूंगा एंड बता दूंगा क्या गलती आप लोग कर रहे हो एंड किस हिसाब से। एंड न्यू रॉ फोटोज़ भी अपलोड कर दिए हैं, सो जाके उसको डाउनलोड करो एंड एडिट करो एंड इंस्टा स्टोरी पे टैग कर देना मेरे को जो आप लोग एडिट करते हो उसको, क्योंकि मैं काफ़ी लोग जिसकी भी एडिट अच्छी लगती होता हूँ स्टोरी पे मेंशन कर देता हूँ एंड उनको भी अच्छी खासी जो रीच होती है मेरे अकाउंट से मैं दे पा रहा हूँ, सो मैं दे देता हूँ। एंड यही सब है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आपको, आप मेरे को करो, बस ऐसा ही अपना चैन चलता रहेगा सपोर्ट बैक का। एंड चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे, देखते हैं किस हिसाब से अपनी फोटोज़ को एडिट करना है। सो यहाँ पे अपनी जो फोटो है वो लाइट रूम में आ चुकी है। लाइट रूम में आ जाने के बाद यहाँ पे फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, अपने फोटो में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा लाइट करके, ये लाइट इसलिए इसका नाम रहता है ताकि आपके फोटोज़ में अगर आपकी फोटो डार्क है तो उसको आप लोग यहाँ से एक्सपोजर इंक्रीज़ करके उसको बैलेंस कर सको। एंड अगर आपकी डी सेचुरेटेड या फिर कॉन्ट्रास्टेड है, मतलब कुछ इस टाइप की फोटोज आई है आपकी कैमरे से, क्योंकि पीछे सनराइज अगर आपकी फ़ोटोज़ में आती हैं तो ये फिक्स है कि आपकी फ़ोटोज़ कुछ इस टाइप की डी सेचुरेटेड या फिर डी कॉन्ट्रास्टेड हो जाती है। सो यहाँ से कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करके उसको मतलब आप लोग बैलेंस कर सकते हो। सो लाइट्स का यही रहता है कि आप लोगों की जो फ़ोटोज़ में कमियाँ हैं वो यहाँ से आप लोग फुलफिल कर सको उसको, जैसे कि शैडो पार्ट ज़्यादा डार्क हो जाता है, लाइट हो जाता है, तो यहाँ से आप लोग उसको कर सकते हो। सो यहाँ की जो मैं सेटिंग करूँगा ये मैं अपने फ़ोटो के हिसाब से करूँगा एंड आप लोगों को अपने फ़ोटो के हिसाब से करना है, बट मैं यहाँ पे जो पॉइंट मतलब यूज़ करूँगा तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैं शैडो क्यों इंक्रीज। सो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा वो पॉइंट्स को, जैसे मैं शैडो इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो वो बताऊँगा कि मैं शैडो क्यों इंक्रीज़ कर रहा हूँ शैडो को, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ मेरे फ़ोटोज़ में ये कमी है सो मेरे को भी शैडो इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है। सो यही सब स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हिसाब से अपनी फ़ोटोज़ को लाइटरूम में एडिट करना है, ग्रीन टोन अपनी फ़ोटोज़ में देना है। सो जैसे कि स्टार्टिंग में आने के बाद मेरी फ़ोटोज़ में ब्राइटनेस सही है अपनी फ़ोटो की, ठीक है, तो ब्राइटनेस को अभी कुछ नहीं करेंगे एंड यहाँ पे अपनी फ़ोटो में हल्का सा हाईलाइट इंक्रीज़ कर लेंगे। हाईलाइट इंक्रीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो अपनी बैक लाइट है ये मेरे को और भी ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड चाहिए, ताकि वो दिखे कि हाँ पीछे से बैक लाइट क्रिएट हो रही है। सो यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर लूँगी इसको एंड अपनी फ़ोटो में जो शैडो पार्ट है, जैसे यहाँ पे जो अपने हेयर्स हैं यहाँ इसकी जो डिटेल है ये लॉस हो रही है, सो यहाँ पे मैं शैडो पार्ट पे जाके इसको इंक्रीज़ करूँगा, मतलब ज़्यादा भी इंक्रीज़ नहीं करना है, यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज़ करके रखूँगा एंड हल्का सा वाइट्स को माइनस की तरफ रखूँगा। एंड इसके बाद हम लोग कर्व पे आ जाएंगे। कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है, अगर इसको यूज़ नहीं करते हो सो आप लोग टोनिंग अपनी फ़ोटोज़ में क्रिएट नहीं कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इसको यूज़ ही करके बनाता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ बना के बताऊँगा क्योंकि मैं काफ़ी सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम एंड उसके कारण वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। सो मैं यहाँ पे बना के बस बता देता हूँ। अपनी फ़ोटो में ग्रीन टोन चाहिए सो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक डॉट दिख रहा होगा एंड ये कि ये लास्ट में, सो इस डॉट यहाँ से कुछ लेंगे, यहाँ पे एक डॉट क्रिएट करेंगे एंड ये होता है मिड टोन का। सो हम लोग इसको हल्का सा ऊपर की तरफ रखेंगे एंड एक डॉट यहाँ से क्रिएट करके इसको हल्का सा नीचे की तरफ एंड एक लास्ट में डॉट क्रिएट करेंगे इसको और हल्का सा उससे नीचे हल्का सा एंड यहाँ से ये जो होता है ये हाइलाइटेड पार्ट होता है, सो इसको हल्का सा ऊपर कर लेंगे। सो कुछ हिसाब से आपको बना लेना है एंड सेम यहाँ पे मैं ब्लू पे बनाया हूँ एंड सेम आपको ग्रीन पे बनाना है एंड रेड पे बनाना है। बस रेड पे जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से जो ये हाईलाइट पार्ट इंक्रीज़ कर रहे हैं सो ये बस नहीं करना है। सो मैं यहाँ पे जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या करना है। कर्व टूल कुछ इस टाइप से बनी है। सो ये नॉर्मल सा एस कर्व है एंड इसका मैं अलग से प्रीसेट से आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो, सो वहाँ से भी सेपरेट कर सकते हो एंड यहाँ पे हल्का सा एक्सपोजर अप डाउन कर लेता हूँ कुछ इतना एंड इसके बाद हम लोग कलर टूल्स पे आ जाएंगे। कलर टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर हल्का सा प्लस की तरफ रखेंगे
ताकि जो अपनी बैक लाइट है वो अच्छे से दिखे कि हाँ सनराइज इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि इसको अगर माइनस की तरफ करते हो तो वो पूरा लाइट एकदम डल सा हो जाएगा, सो वो फीका फीका कलर आने लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, मतलब कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड यहाँ पे टिंट आप माइनस की तरफ रख लेना, अगर फोटो में ग्रीन टोन दे रहे हो तो इसको माइनस की तरफ रख के करो। एंड वाइब्रेंस को हल्का सा माइनस, एंड यहाँ पे सैचुरेशन को हल्का सा माइनस कर लेते हैं कुछ इतना। सो यहाँ से डन करते हैं, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे HSL। सबसे पहले थर्ड नंबर का कलर चूज करेंगे जो होता है अपना येलो कलर। येलो कलर इसको हम लोग हल्का सा प्लस की तरफ रखेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग जो इसकी ही हुई इसको प्लस की तरफ रखेंगे क्योंकि अपनी फोटोज में ग्रीन टोन देना है। एंड इसको सेचुरेशन माइनस की तरफ रखेंगे, ये अपने फोटोज में सिनेमेटिक टोन्स के साथ ग्रीन टोन देना है, इसलिए हल्का सा माइनस की तरफ रखेंगे। एंड एक्सपोजर यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं, एंड यहाँ पे सेम ग्रीन पे आ जाएंगे उसके बाद। एंड ग्रीन पे आने के बाद इसको हल्का सा माइनस की तरफ कर लेंगे ही, एंड सेचुरेशन भी माइनस की तरफ कुछ इतना। एंड इसके बाद जो इसका ल्यूमिनेंस होगा इसको हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे। एंड यहाँ पे हो चुका है, ये जो फर्स्ट नंबर फेस एंड सेकंड नंबर होता है ये फेस का होता है, इसको मैं लास्ट में एडिट करके बताऊंगा किस हिसाब से अपने फोटोज में अपने फेस को मैच किया जाता है। एंड ये तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग बैक आ जाएंगे, कलर ग्रेडिंग टूल मिल जाएगा आपको। सो यहाँ से हम लोग अपनी फोटोज में हल्की सी सिनेमेटिक फील देंगे। एंड शैडो पार्ट के लिए हम लोग रखेंगे 219, एंड सैचुरेशन कुछ 13 के आसपास रख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके फोटोज में किस टाइप से कौन सी टोन अच्छी लग रही है। यहाँ पे मैं इस फोटो के लिए बस बता रहा हूँ, एंड इस पर भी डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ, सो वो भी डिस्क्रिप्शन से देख लेना किस हिसाब से अपनी फोटोज में सिनेमेटिक फील देना है। सब पे वीडियो ऑलमोस्ट सब जाके डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लिया करो। सो यहाँ से कुछ डन कर देते हैं, डन इसके करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे एंड क्लियरिटी हल्का सा अपने फोटो में ऐड कर लेंगे, एंड हल्का सा डीहेज। सो यहाँ पे फोटो कुछ ज़्यादा ही ब्राइट लग रही है, सो एक्सपोजर में फिर से आएंगे, इसको हल्का सा माइनस की तरफ करेंगे कुछ इतना। एंड इसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे आ जाएंगे एंड अपने फोटो में शार्पनेस ऐड कर लेंगे, रेडियस हल्का सा इंक्रीज, एंड डिटेल्स भी, एंड मास्किंग को हर एक फोटो में जैसे कि हर एक वीडियो में बताया 100 ही रखना है, एंड हल्का सा नॉइस रिडक्शन को एंड कलर नॉइस को भी। आप लोग ये ध्यान में रखना है कि नॉइस रिडक्शन आप कभी 20 या फिर 25 से ज़्यादा मत करो, क्योंकि इससे पूरी फोटोज़ अपनी स्मूथ हो जाती हैं, सो उसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है एंड देखने में बिल्कुल स्मूथ लगने लगती है। स्मूथ चाहिए तो कर सकते हो इसको इंक्रीज़, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा ओपिनियन है कि ज़्यादा स्मूथ मत करो अपनी फ़ोटो, जितनी शार्प लुक अच्छी लगती है, क्योंकि इंस्टा पे अपलोड करने के लिए हम लोग करते हैं, तो इंस्टाग्राम क्या करता है कि अपनी जो फोटो की क्वालिटी होती है वो वैसे ही कम कर देता है, इसलिए पहले से शार्प करके उसमें फ़ोटोज़ पोस्ट करो। सो यहाँ पे आर्टिस्टिक में आ जाएंगे, आर्टिस्टिक में 09 करके मिल जाएगा, सो इसको हम लोग 50 की तरफ रखेंगे कुछ। सो कुछ इतना हो चुका है अपने फोटो में, यहाँ से डन करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सिलेक्टिव टूल में, एंड सिलेक्टिव टूल में आने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट चूज़ करेंगे। एंड आप लोग अपनी फोटोज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे से ग्रेडियंट चूज़ करके इसको हल्का सा ब्लैक किया करो, क्योंकि अच्छा काफ़ी अच्छा इससे एक फील आता है, ऐड हो जाता है। यहाँ से क्लियरिटी इंक्रीज कर लो एंड डीहेज भी, सो इस हिसाब से कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग अच्छे से यहाँ पे आप फेस मैच करके बताता हूँ आपको। सो कुछ इस टाइप की फोटोज में आपको हल्का सा अपनी फेस को जो येलो टाइप में रखना है, ना कि पूरा रेड कर देना या फिर पूरा ब्लैक। सो हल्का सा रेड की तरफ जाऊँगा मैं इस फोटो के लिए, यहाँ पे हल्का सा इसका ल्यूमिनेंस इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी जो पूरी फ़ोटो की बैकग्राउंड है इसको डार्क करूँगा हल्का सा, एंड अपने फेस पे जाके यहाँ से फिर से फेस बस ब्राइट करूँगा इससे। इससे काफ़ी अच्छी टोनिंग क्रिएट हो जाती है अपनी फ़ोटोज़ में। एंड अगर आप लोग अपनी फेस को यहाँ से डायरेक्ट वो कर पा रहे हो, एडजस्ट कर पा रहे हो, सो आप लोग भी कर सकते हो, अपने बैकग्राउंड को मतलब हल्का सा ब्लैक डल कर दो, सो उससे आपकी अच्छी टोनिंग क्रिएट हो जाएगी। ये लिप का कलर होता है, मतलब लिप मोस्ट ऑफ द कलर यही होता है। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है आपकी फोटो में किस टाइप से अच्छी लगती है। ये बिफोर थी एंड ये आफ्टर, यही सेम फोटो की प्रीसेट मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ किसी दूसरे फोटोज में। जैसे यही फोटो ले लो, ये मेरी फोटोज थी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरी जो प्रीसेट मिलेगी आपको कुछ इस टाइप की मिलेगी, सो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आओ, यहाँ से आपको एक्सपोजर
कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, व्हाइट्स, ब्लैक्स, आपको ये सब मैच करना है, ना कि आप यहाँ पे आगे मतलब कुछ कर रहे हैं ना, आपको यहाँ से फेस को मैच करना है बस, ओनली कुछ नहीं करना है, आगे पीछे करके देखो किस हिसाब से आपकी फोटोज में अच्छी लगती है। सो मिलते हैं किसी वीडियो में, तक के लिए ऐसे ही वीडियोज देखते रहो एंड सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।